बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि हम नया लैपटॉप लिए हैं तो पुराने लैपटॉप में जो भी डेटा है, सॉफ्टवेयर है, फाइल है, वीडियो है, ऑडियो है, इमेज है, उसको नए लैपटॉप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको भेजेंगे। तो यही बात को लेकर बहुत सारे जो लोग हैं वो टेंशन में रहते हैं कि किस तरीके से पुराने लैपटॉप का डेटा नए में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से उसको भेजेंगे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है अपना कोई भी फाइल पीसी टू पीसी कैसे उसको भेजेंगे, इसको ब्रेकअप एंड रीस्टोर कैसे करेंगे, ऐप मार्जिन कैसे करेंगे, डाटा रिसोर्स आप उसको कैसे करेंगे, इसके बाद जो है सिस्टम क्लीन अप कैसे करेंगे, लार्ज फाइल जो आपका है उसका क्लीन अप कैसे करेंगे, इसका प्रोडक्ट की आप उसमें कैसे लगाएंगे। तो ये सब आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में सिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप कोई नया लैपटॉप लेते हैं तो किस तरीके से आप पुराने लैपटॉप का जितना भी डेटा, ऑडियो, वीडियो या कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी फाइल है उसको आप किस तरीके से पीसी टू पीसी मतलब पुराने लैपटॉप से नए लैपटॉप में कैसे भेजेंगे, वह बिना तार उड़ के, बिना कोई कनेक्शन के। तो मैं आपको इस वीडियो में वही प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा तभी आप समझेंगे किस तरीके से हम अपने पुराने लैपटॉप का जितना भी डेटा है उसको नए लैपटॉप में कैसे भेजेंगे। तो ये देखने के लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कोई ब्राउजर में टाइपिंग कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रखा हूँ देख रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ पर इंटर मारेगा तो आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो इसमें आपको ढेर सारा फीचर दे रखा है, जैसे देखिए फ्री वाले के लिए आपको विंडो के कौन कौन सा में आप इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आइए, यहाँ देख रहे हैं थ्री प्लान दे रखा है, जो फ्री है, प्रोफेशनल और टेक्निकल है। अब पहले वाला जो था इसमें दो ही प्लान था, जैसे फ्री और प्रोफेशनल। अब जो आया है लेटेस्ट में तो वो आप टेक्निकल भी यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे फ्री वाले आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र 500 एमबी डाटा ही कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रांसफ़र दो एप्लीकेशन टू अनदर पीसी पे कर सकते हैं, टू एप्लीकेशन बिटवीन लोकल डिस्क पे कर सकते हैं और विंडो 10 8.1 8.7 भाषा एक्सपी सर्वर 2019 16 12 8 13। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ प्रोफेशनल वाला में आपको ढेर सारा फीचर दे रखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको एक लाइसेंस मिलेगा जो दो आप पीसी पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो आपको देख रहे हैं यहाँ पर ढेर सारा, तो जो सेम ही है, ट्रांसफ़र अनलिमिटेड कर सकते हैं, इसके बाद ट्रांसफ़र अनलिमिटेड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जो इससे बेटर है, इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफ़र बिटवीन लोकल डिस्क और यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर पी सी एनोदर पे, यहाँ पर तो इससे आपको ढेर सारा आपको इस पर मिल जाएगा जो आपको $49.95 का है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका ये टेक्निकल है तो आपको प्रोफेशनल से उससे भी कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अगर आप इसको परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ टेक्निकल देख रहे हैं, लाइसेंस मल्टीपल है, यहाँ पर दो ही लाइसेंस मिल रहा था, यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर दो मिल रहा था, यहाँ पर अनलिमिटेड आपको लाइसेंस मिल रहा है। विंडो उतना ही है जो तीन में सेम विंडो है, इस सब पर काम करेगा। ट्रांसफ़र अनलिमिटेड डाटा कर सकते हैं, ट्रांसफ़र अनलिमिटेड एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद ट्रांसफ़र मल्टीपल एप्लीकेशन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र यूजर अकाउंट भी यहाँ पर बना सकते हैं, इसके बाद यह ट्रांसफ़र डोमेन अकाउंट भी बना सकते हैं, जो इससे बहुत बेटर ये है। और इसमें बहुत सारा इससे ज़्यादा इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ से परचेज करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो आप क्या करना है, आपको फ्री वाले फ्री वाले पर आपको क्या करना है, इसको क्या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता देखिए, मुझे यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, इसलिए मुझे यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ये इंस्टॉल भी हो गया, डाउनलोड भी हो गया है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, चलिए मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से अब इंस्टॉलिंग होना का प्रोसेस आ जाएगा, और यहाँ बोला है इंस्टॉलिंग, तो मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब देख रहे हैं कि नीचे यहाँ पे इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आ गया है, अब देख रहे हैं 3% इंस्टॉलिंग हो भी गया है। तो ये इंस्टॉल हो जाता है तो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ कि ये कैसा लगता है और इसका यूज कैसे करेंगे और कैसे इसको हम चलाएँगे। तो
अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ गया है इंस्टॉल होने के बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट, पहले इससे पहले आप देख रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन आई हैव कम्प्लीट योर इंस्टॉलिंग। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांस डाटा माइग्रेशन क्लीन अप और रिकवर बैकअप। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट पर ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद देखिएगा इसका फीचर क्या आता है। देखिए वेलकम टू यूजर्स टोडा ट्रांस पीसी, ये ओपन हो रहा है। तो इसको ओपन हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आगे क्या प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पीसी टू पीसी, आप अपने जितना भी डेटा है तो पीसी टू पीसी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर जाके यहाँ ब्रेकअप और री स्टोर पर देख रहे हैं कि यहाँ ब्रेकअप और री स्टोर से आप कोई फाइल को इस एक ब्रेकअप फाइल बना के आप इस फाइल में से पीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। माइग्रेशन में ऐप माइग्रेशन में जाके आप अपने कोई भी डेटा जो हो तो उसको डिस्क ए से डिस्क बी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद डाटा रिस्यूज़ का ऑप्शन दे रखा है तो डाटा रिस्यूज़ भी आप कर सकते हैं। सिस्टम क्लीन अप का भी इसमें नया फीचर है आया हुआ, तो सिस्टम क्लीन अप का दे सकते हैं। प्रोडक्ट की आप यहाँ पर आप लॉक भी लगा सकते हैं और लार्ज फाइल क्लीन अप अगर बड़ा फाइल है उसको क्लीन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पी सी टू पी सी आपको को डेटा कन्वर्ट करने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन को ओके कर लेता हूँ। इसके बाद क्या करना, नीचे आके यहाँ पे स्टार्ट पर ओके कर देना है। जैसे यहाँ पर ओके करूँगा तो यहाँ देख रहे हैं कि नेटवर्क और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ क्लोजिंग का ऑप्शन आ गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एड टू पी सी, यहाँ से आप पी सी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर्चिंग का प्रोसेस चल रहा है तो इसको हम ओपन होने देते हैं, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं एड टू पीसी का ऑप्शन आ गया, चलिए मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस मांग रहा है, जो यहाँ पे इंटर आईपी एड्रेस है तो ये वाला आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके बाद यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं कि आईपी एड्रेस है इसको आप यहाँ पर डाल के इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का नाम डाल के भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले वो क्या करना पड़ेगा, आपको पुराना कंप्यूटर जो है उसको डाटा केबल से आपको इस जो आपको नया सिस्टम है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको बैक आते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप हमको सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ ब्रेकअप एंड रीसेट पर जाना है। यहाँ देख रहे हैं कि स्टार्ट का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए डाटा बैकअप और डाटा रीसेट, पहले डाटा बैकअप करना है हमको, मतलब रिस्टोर करके रखना है। इसके बाद डाटा रीस्टोर दूसरे लैपटॉप में हमको भेजना है। तो हमको फिर डाटा बैकअप करके इसको रीस्टोर कर लेते हैं। वन क्लिक बैकअप इंस्टॉलिंग रिकवरी, आप देख रहे हैं कंप्लीट बैकअप एप्लीकेशन डाटा अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं, रीस्टोर न्यू सिस्टम पी सी एंड डिस्क कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि एडॉप्ट इनवॉल्व कंप्लीट टेक्निक एंड इनवॉल्व स्पेस है और यहाँ पर देखें बैकअप एंड रिसेस्ट फाइल प्राइवेसी दे रखा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रेकअप फाइल का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे जो ऐप फाइल में यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी फाइल का आप बैकअप लेना चाहते हैं तो पहले आप बैकअप ब्राउज़र पर जाइएगा। जैसे चलिए मैं ये एस वाले फाइल में जाता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ब्रेकअप ले लेता हूँ। तो मैं इसको क्या सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देख रहे हैं मैं सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एस वाला फाइल आ चुका है, इसके बाद क्या करें कन्फर्म ओके कर दीजिएगा। इसे ओके कीजिएगा, देखिए आप ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा ब्रेक एप्लीकेशन फाइल ये है, इसमें फाइल्स है और इसमें अकाउंट है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना जितना जी बी के आप जो भी ब्रेकअप लेना चाहते हैं उस पर सिंपली आप ओके करके इसको ब्रेकअप ले सकते हैं। चलिए मैं पहले फाइल को ब्रेकअप ले लेता हूँ। तो मैं फाइल वाला फाइल को ओके करूँगा, इसको मैं यहाँ से ब्रेकअप कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तो यहाँ से चलिए मैं इस फाइल को अगर बैकअप लेना चाहता हूँ तो आप क्या करना है, एडिट में ओके कर देना है। जैसे एडिट पर ओके कीजिएगा, देख रहे हैं यहाँ डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ एमबी का ऑप्शन भी शो कर रहा है, सेलेक्ट फाइल कितना है शो। तो यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरा फाइल ये डेटा कन्वर्ट हो गया है, इसका ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद यहाँ से अगर आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन को करना है तो ये कितने जी बी का है, चलिए अगर इसको करना है तो हमको सिंपली इसको करना है। अगर जिसको हम ब्रेकअप लेना चाहते हैं तो उसको क्या करना, चलिए मैं इसको ब्रेकअप लेना चाहता हूँ। तो मैं जिस सबको ब्रेकअप लेना चाहता हूँ तो उसको यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक ठोकर ब्रेकअप लेकर आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है कि चलिए मैं इसको ब्रेकअप लेकर दिखाता हूँ, यहाँ फिनिश कर दीजिएगा, यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा। देखिए सिंपली ये मेरा इतना एमबी का ब्रेकअप हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको न्यू लैपटॉप में कनेक्ट करके इस डाटा को बाय अपने हिसाब से यहाँ डाटा कन्वर्ट पर जाके इसको रिमूव और अपने फाइल में नया लैपटॉप भेज सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि सेफ सिक्योर बैकअप डाटा, यहाँ देख रहे हैं कि रीस्टोर बैकअप एप्लीकेशन डाटा और अकाउंट सेटिंग है, बैकअप डाटा यूजर और सिस्टम रिक्वेस्ट है।
यहाँ पर देख रहे हैं डब्ल्यू इन्वॉल्व कंप्रेशन टेक्निक, यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था वो ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो आप ब्राउज़र को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जाके, जो भी ब्राउज़र है यहाँ से आप डाटा जो है डाटा के बॉक्स में कनेक्ट कीजिएगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप उसको ओके कर सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पर आपको बताया था कि इस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया था, तो उसको मैं बैकअप लिया था। यहाँ पर मैंने इसको डाटा रिस्टोर में जाके यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर यह फाइल शो कर रहा है, यहाँ नो बैकअप फाइल फाउंड। यहाँ पर क्या है कि यहाँ बैकअप फाइल फाउंड इसलिए नहीं बता रहा है कि मैंने लैपटॉप आपको कनेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से आपका फाइल बैकअप हो जाएगा। यहाँ नीचे देख रहे हैं कि यहाँ क्रिएट बैकअप फाइल है, तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। यहाँ पर आप जो भी हम वहाँ से बैकअप फाइल लिए थे और उस लैपटॉप में से आया हुआ था, तो वो फाइल जो लैपटॉप जो कनेक्ट हुआ तो यहाँ पर आके ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ सिंपल आपको यहाँ से कन्फर्म पे ओके कर दीजिएगा, तो आपका जो डाटा मैं इसमें बैकअप लिया था वो सारा डाटा आपको उस लैपटॉप में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऐप माइग्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपली मैं ऐप माइग्रेशन पर आ गए हैं, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ढेर सारा ऐप आ गया है, आप जिसका बैकअप लेना चाहते हैं यहाँ से उसको बैकअप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं ये फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसके बाद मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। अब देख रहे हैं कि मेरा यह ट्रांसफ़र हो रहा है और ये ट्रांसफ़र मेरा 5% यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र भी मेरा ये फाइल हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। तो ये फाइल जो ट्रांसफ़र हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको आगे प्रोसेस क्या करना है। देखिए मैं जो ऐप यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था, बैकअप लिया किया था, वो देखिए फाइनली ये फिनिश हो चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है। तो कंप्लीट ऑप्शन ओके आके लिखा के आ गया है, तो मैं सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि आपका थैंक्स फॉर यू क्लोजिंग अस टोटा बैकअप, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि मेरा इसमें से ये जो ऐप को मैं बैकअप किया हूँ तो ये यहाँ से हट चुका है, उसका ब्रेकअप हो चुका है। और वो आप दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे लोकल डिस्क ऐप में आ चुका है, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये मैं यहाँ वहाँ से ब्रेकअप किया हूँ तो ये यहाँ पे आके यहाँ से कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इसी तरह आप जो फाइल में यहाँ से आप इसको कन्वर्ट चाहे भेजना चाहे, आप बहुत आसानी से वो फाइल यहाँ से चूज करके उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और प्रोफेशनल तरीका है ये ब्रेकअप, यहाँ से बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप जिसमें भी आप जैसे कि आपका लग रहा है कि नहीं मेरा ये सी ड्राइव भरा हुआ है तो और मैं इसको ये ऐप जी ड्राइव में भेजना चाहता हूँ, तो आप बहुत ही आसानी से जैसे आपको लग रहा है कि आप उस सी ड्राइव में आपको भर चुका है ऐप, तो बहुत ही आसानी से ई ड्राइव में ऐप ड्राइव में जैसे मैं यहाँ पर ऐप ड्राइव में भेजा हूँ, तो बहुत आसानी से इसको आप ऐप को अपने लैपटॉप में ही किसी भी लोकल डिस्क में भेज सकते हैं। जैसे सी ड्राइव में रहता है आपको ई ड्राइव में या ड्राइव में नहीं भेज पाते हैं, बहुत टेंशन हो जाता है कि हम कैसे भेजें, तो यहाँ से आप बैकअप करके बहुत ही आसानी से आप ई ड्राइव में या ड्राइव में अपने फाइल को भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाया हूँ कि इस फाइल में रहा था, मैं यहाँ से बैकअप करके डायरेक्ट मेरा ये फाइल या फाइल में यहाँ पर मैं भेज चुका हूँ। अगर मैं इसको फिर उसी में सी भेजना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगा नो पे। सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हमको ब्राउज़र चूज कर लेना है, जैसे हमको जिसमें भेजना है जिसमें चलिए मैं सिंपली को सी में भेजना है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। तो मैं देखिए यहाँ सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो फिर मैं देखिए यहाँ 5% ट्रांसफ़र हो चुका है, अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है और ये मेरा यह फाइल फिर जाके आपको सी ड्राइव में ही हो जाएगा। तो मैं फिर आपको जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कि यह फाइल वहाँ पर ट्रांसफ़र कैसे हो जाए। बहुत ही सिंपल और आसान प्रोसेस है जिससे आप भी अपने फाइल को रिस्टोर से कर सकते हैं, अपने ऐप को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में भेज सकते हैं इस एप्लीकेशन की हेल्प से, और आपका कोई डाटा वगैरह लॉस नहीं हो सकता, आप बहुत ही फास्ट भेज सकते हैं। अगर परचेज कर ले रहे हैं तो आपको बहुत ही फास्ट, इससे कई गुना फास्ट आपको वर्क करेगा। सिंपली देखिए ये मेरा ये कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ कंप्लीट लिखा कर आ रहा है, मैं इसको ओके कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे किया। तो मैं फिर इसको स्टार्ट को ओके कर लेता हूँ, ओके करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें कैसे कहाँ पर आया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ये फाइल मेरा फिर सी ड्राइव में यहाँ लोकल डिस्क सी में देख रहे हैं यहाँ पर मेरा आ चुका है। तो आप इसी तरीके से आप देखिए मेरा ये ऐप में नहीं होगा, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर नया ऐप में नहीं है मेरा, फिर ये से सी में आ गया। तो इसी तरह आप कोई भी ऐप को बहुत ही आसानी से इस हेल्प के थ्रू आप फ्री में इसको एक फाइल से दूसरे फाइल में यहाँ से भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ से डाटा रिसोर्स पर जाके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिसोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने का आपको कुछ इस तरह से आपको ओपन होकर आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पर डाटा
रिसोर्स हो रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं कि अवेलेबल डिस्क नोट फोल्डर, जिसे मैं दूसरे लैपटॉप को इसमें कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन ये आ जाएगा और मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर इसको कंटिन्यू करके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पे सिस्टम क्लीन, अब इस पर क्लिक कीजिए, जो भी आपका सिस्टम के अंदर जो कचरा फचरा होगा वही सब आपको क्लीन हो जाएगा। तो आपको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली स्कैन पर ओके कर देना। जैसे ओके कीजिएगा देख रहे हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, क्लीनिंग का देख रहे हैं कंप्लीट भी हो गया। तो कितना जल्दी ये स्कैन कर दिया, देखिए आपका फोन इतना MB सेलेक्टेड हुआ, इतना MB का आपको तुरंत स्कैन कर दिया और कितना फास्ट स्कैन हुआ देखिए ना गाइज। तो ये बहुत ही फास्ट और अच्छा ऐप है जिससे आप बहुत ही आसानी से देख रहे हैं इसका क्लीनिंग कर रहा है और बहुत फास्ट क्लीनिंग ये कर देता है। देखिए तुरंत ये क्लीनिंग कर दिया और ये देखिए ये फिनिश का ऑप्शन भी आ गया, तो कितना फास्ट ये क्लीनिंग किया है आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट क्लीन करता है। अब यहाँ लार्ज फाइल भी अगर है तो उसका भी यहाँ पे क्लीन कर सकता है, यहाँ पे क्लीन वाला ऑप्शन चाहिएगा, यहाँ इसे स्कैन कर दिया, देखिए यहाँ पे क्लीन हो रहा है और ये बहुत फास्ट काम कर रहा है। यहाँ ऊपर देख रहे हैं कि कितना फास्ट ये वर्क कर रहा है। अगर आपका लैपटॉप में कोई कचरा वगैरह है या कुछ है तो इसको पूरा स्कैन करके हटा देगा, जैसे ये लोकल डिस्क सीक अवे जो भी ऐप वगैरह उसको क्लीनिंग कर रहा है, साफ कर रहा है। तो ये बहुत फास्ट काम करता है, देख रहे कितना फास्ट ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे के लोकल डिस्क में 234 GB है जिसको 36 GB तक इसको स्कैनिंग कर दिया। सोच सकते हैं कितना फास्ट में इसको क्लीनिंग कर रहा है, साफ़ कर रहा है। तो सॉरी गाइस, ये आपको दिखला रहा है कि मेरा डाटा इसमें कितना यूज हुआ वो यहाँ पे शो कर रहा है, आपका क्लीनिंग का प्रोसेस यहाँ पे आपको शो कर रहा है कितना फास्ट में यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा है। और नीचे यहाँ पे आपका कुछ लोगो भी दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका क्लीनिंग कैसे हो रहा है, आपका लैपटॉप में जो भी है सी ड्राइव में वो कचरा हुआ या कोई वायरस हुआ है उसको यहाँ पे क्लीन कर रहा है, साफ़ कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस की बहुत ही फास्ट इसको स्कैनिंग, जितना फाइल है उसको बहुत ही फास्ट स्कैनिंग कर दिया है और कितना फास्ट किया है तो आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं इसको बैकअप करके ओके कर लेता हूँ, यहाँ से यस कर लीजिए। इसके बाद यहाँ है प्रोडक्ट के, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्कैन कर स्कैनिंग पे ओके कर दीजिए। अब वो इसको लॉक करना है तो यहाँ पे सो फूल की यहाँ पे आप इसको लॉक लगा सकते हैं और इस विंडो सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ पे इसको लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके एक नया लैपटॉप है, पुराना लैपटॉप है, अगर नया लैपटॉप लिए हैं तो पुराना लैपटॉप में आप अपने फाइल को डेटा को बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन को इस ओल्ड लैपटॉप से न्यू लैपटॉप में आप बहुत ही आसानी से इसको कोई फाइल डाटा हो भेज सकते हो, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के हेल्प से। तो गाइस देख रहे हैं कितना आसानी और शानदार यह एप्लीकेशन है। इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिए और मैं आपके लिए ऐसे नया नया ट्रिक लाता रहूँगा। सो गाइस, आप तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से पुराने लैपटॉप का जितना भी डेटा है उस नए लैपटॉप में किस तरीके से उसको भेजेंगे, सेंड करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।